स्वागत है एक बार फिर से आपका इस वीडियो लेक्चर के सीरीज़ में। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ा था, आज हम लोग उसी को और आगे बढ़ाएंगे। तो एक बार आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि पिछला रिवाइज़ कर लें हम लोग कि क्या क्या पढ़े थे टाइप्स ऑफ रिलेशन में। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था एम्प्टी रिलेशन। हम लोग ये सब देख रहे हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑन सेट ए। सेट ए पे आपका रिलेशन है यानी ए इंटू ए का सबसेट है। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था एम्प्टी रिलेशन यानी रिलेशन एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है ना? ठीक है। उसके बाद अगला था यूनिवर्सल रिलेशन यानी रिलेशन जो है पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू ए हो जाएगा, ठीक है? ठीक। उसके बाद रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा था। रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो होते हैं जिसमें ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, मतलब खुद से रिलेटेड वाले सारे एलिमेंट्स उसमें हो, बाकी भी हो सकते हैं लेकिन जितने खुद से आपस में रिलेटेड हों वो सारे हों, ए के सारे एलिमेंट आपस में रिलेटेड हों वैसे वाले सारे ऑर्डर्ड पेयर्स रिलेशन में होने चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन मतलब अगर ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन है तो उसका उल्टा बी ए भी रिलेशन में होना चाहिए, यानी ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, अगर ए बी है तो उल्टा बी ए भी होना चाहिए। उसके बाद अगला पढ़े थे ट्रांजिटिव रिलेशन। उसमें था कि अगर ए बी रिलेशन में है और फिर बी सी रिलेशन में है तो ए सी भी रिलेशन में होना चाहिए, यानी अगर बी बी कॉमन है तो ए सी रिलेशन में होना चाहिए। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, मतलब ये कहने का मतलब ये कंडीशन हम चेक करेंगे हर एक ए बी सी बिलोंग्स टू आर के लिए, हर एक ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए के लिए हम ये कंडीशन चेक करेंगे और अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो ये भी ट्रू होना चाहिए। अब हम लोगों ने आगे ये पढ़ा था कि इन तीनों को रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, अगर कोई रिलेशन ये तीनों साथ साथ होते हैं तो वैसे रिलेशन को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ना है कहते हैं। वैसे रिलेशन को इक्विवेलेंस कहते हैं जो तीनों साथ साथ हों, मतलब रिफ्लेक्सिव भी हों सिमेट्रिक भी हों और ट्रांजिटिव भी हों, ठीक है? हम लोगों ने इस दोनों को मिलाकर ट्रिवियल रिलेशन कहते हैं, एम्प्टी और यूनिवर्सल को। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था आइडेंटिटी रिलेशन भी। एक आइडेंटिटी रिलेशन वो होते हैं जिसमें ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, बस यही रिलेशन हो, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, यानी ए कॉमा ए रिलेशन होंगे हर एक एलिमेंट ए के लिए, मतलब ए में जितने एलिमेंट हो उतना ही ऑर्डर्ड पेयर बनेगा और वो आइडेंटिटी रिलेशन होगा। तो आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन का एक सबसेट हो गया, क्योंकि ये जो है इसके सारे एलिमेंट इसमें तो होने ही चाहिए। आइडेंटिटी रिलेशन के सारे एलिमेंट रिफ्लेक्सिव में होंगे ही, साथ में कुछ एक्स्ट्रा भी होंगे, यानी ऑल आइडेंटिटी रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था इतने सारे टाइप्स और इक्विवेलेंस रिलेशन। आज कुछ एक दो टाइप्स और पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ रिलेशन को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। अगला उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इनवर्स रिलेशन। जिसको हम लोग कहते हैं दिखाते हैं आर इनवर्स से, ठीक है? ये सिंपली होता है, इनवर्स रिलेशन क्या होता है, बी ए बनेगा इनवर्स रिलेशन का ऑर्डर्ड पेयर अगर ए बी है आर में, ठीक है? एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं, सपोज़ ए एक सेट था जिसमें 1 2 3 तीन एलिमेंट थे और इसके हम रिलेशन बना रहे हैं और रिलेशन आपका है सपोज़ कीजिए 3,2 और 1,3 का, तो आर इनवर्स क्या हो जाएगा, आर इनवर्स में वही उतने ही एलिमेंट रहेंगे लेकिन सब उल्टा लिख देंगे, 3,2 को लिखेंगे 2,3, 1,3 को लिखेंगे 3,1, तो ये इनवर्स रिलेशन हो गया। इसका वेन डायग्राम अगर बनाना चाहे तो कैसे बनाएंगे, इसका वेन डायग्राम एक बार बना लेते हैं। ये ए बनाए 1,2,3, इधर भी ए बनाए 1,2,3, ए और ए। अब रिलेशन आर जो था, ये रिलेशन आर जो था वो इधर से इधर था, यानी आपका 3 कनेक्टेड था 2 से और 1 कनेक्टेड था 3 से, तो आर इनवर्स जो होगा वो इधर से इधर जाएगा, ठीक है ना? तो आर इनवर्स का जो डोमेन है वो क्या हो जाएगा,
आपका आर इन्वर्स का डोमेन हो जाएगा 2, 3, और आर इन्वर्स का रेंज क्या हो जाएगा, 1, 3। तो आर का जो डोमेन था 1, 3, वो आर इन्वर्स का रेंज हो गया है, और आर का जो रेंज था 2, 3, वो आर इन्वर्स का डोमेन हो गया है। यानी आर का रेंज आर इन्वर्स का डोमेन हो गया है, और आर का डोमेन आर इन्वर्स का रेंज हो गया है, तो दोनों इंटरचेंज हो गए हैं। तो बाकी रिलेशन जैसे हम लोग पढ़े थे ऑन ए, आर जो है वो ए टू बी भी हो सकता है, यानी आर तो आर इन्वर्स हो जाएगा रिलेशन फ्रॉम बी टू ए। अगर आर आपका ए टू बी था तो आर इन्वर्स बी टू ए हो जाएगा, ठीक है। और आर में अगर कोई पेयर ऑर्डर्ड पेयर ए बी था तो आर इन्वर्स में वो उल्टा पाया जाएगा बी ए, और ए बिलोंग्स टू ए होगा और बी बिलोंग्स टू बी होगा, ठीक है। तो पहले इसमें बी सेट वाले एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में पहले बी वाले आएंगे और दूसरा ए वाले आएंगे, यानी इसका कोडोमेन अब ए हो जाएगा, और इसका कोडोमेन क्या था, बी था। तो ये इन्वर्स हो गया, यहाँ फिगर से भी दिख रहा है कि डोमेन आर का डोमेन आर इन्वर्स का रेंज हो गया है, और आर का रेंज आर इन्वर्स का डोमेन हो गया। तो ये होता है आर इन्वर्स रिलेशन या इन्वर्स रिलेशन, ठीक है। उसके बाद एक अगला होता है एक एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक तो हम लोग पढ़े थे, एंटी सिमेट्रिक क्या होता है, तो ये क्या होता है, इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, अगर ये दोनों आर में बिलोंग करें तब सिमेट्रिक हो जाता था। लेकिन यहाँ पे ये करें कि अगर ये दोनों हो, दिस इम्प्लाइज ए शुड बी इक्वल्स टू बी फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए, यानी अगर ऐसा हो कि ए बी और बी ए दोनों आर में हो तो इसका मतलब कि फिर ए बराबर बी होना चाहिए, यानी सेपरेट सेपरेट एलिमेंट अपोजिट साथ में नहीं होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर सपोज़ कीजिए ए सेट 1, 2, 3 लें तो जो आर होगा उसमें ऑर्डर पेयर 1, 2 हो तो ठीक है, 2, 1 नहीं होना चाहिए, इक्वल हो चलेगा, 1, 2 हो, 1, 1 हो, 2, 1 नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया आपका एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग कि आर एक रिलेशन है ऑफ ए कॉमा बी सच दैट ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू बी, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये आपका रियल ये एग्जांपल ले लिए कि आर रियल नंबर पे ये हम लोगों ने रिलेशन बनाया है ए कॉमा बी का, इसमें रिलेशन है लेस देन या इक्वल्स टू, यानी एल ई क्यू का रिलेशन है लेस देन या इक्वल्स टू। तो इसमें देखिए कि अगर ए बी और बी ए तभी आएगा जब दोनों इक्वल हो, कहने का मतलब सपोज़ कीजिए अगर इफ़ एक्स कॉमा वाई को एलिमेंट है वो बिलोंग करता है रिलेशन में, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स लेस देन इक्वल्स टू वाई होगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। और अगर इसका उल्टा भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में वाई कॉमा एक्स, तो इसका मतलब ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होगा। अब 1 और 2 से देखिए, एक्स वाई से छोटा है, वाई एक्स से छोटा है, वह बराबर है, इसका मतलब क्या हो गया, दिस विल हैपन्स व्हेन एक्स इक्वल्स टू वाई, ये कंडीशन ट्रू हो गया। अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन है और वाई एक्स बिलोंग्स टू रिलेशन है तो ये तभी होगा जब एक्स इक्वल्स टू वाई हो, यानी लेस देन इक्वल्स टू एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है, सिमेट्रिक नहीं है ये, एंटी सिमेट्रिक, ठीक है। उसके बाद एक अगला होता है, अगला पढ़ाने से पहले थोड़ा ये समझ लीजिए कि सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक एक दूसरे का अपोजिट नहीं है, सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक और नॉट अपोजिट। देखने से सुनने से ये लग रहा होगा कि दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, लेकिन ये अपोजिट नहीं है, ठीक है, नहीं, क्योंकि कोई रिलेशन आर हो सकता है दोनों हो एट अ टाइम, कैन बी बोथ, सिमेट्रिक भी हो और साथ ही साथ एंटी सिमेट्रिक भी हो,
ऐसा भी हो सकता है कि कोई रिलेशन साथ ही साथ सिमेट्रिक भी हो और एंटी सिमेट्रिक हो। सपोज़ कीजिए एक सेट लिए ए 1 2 3, और इस पे हम लोग एक रिलेशन लिखते हैं जो ये है, आइडेंटिटी रिलेशन ही ले लेते हैं, 1, 1, 2, 2, 3, 3। ठीक है, ये सिमेट्रिक है क्योंकि अगर ए बी है तो बी ए भी है, 1 1 है तो उसका उल्टा भी है, और कोई अनइक्वल पेयर का उल्टा साथ में नहीं है, यानी 1 2 2 1 टाइप कुछ नहीं है। यानी ये सिमेट्रिकल कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है और एंटी सिमेट्रिक भी कर रहा है कि अगर अपोजिट पेयर साथ में हैं, ऑर्डर्ड पेयर अगर रिलेशन में, तो वो इक्वल वाले हैं और ये इक्वल वाले ही हैं, तो ये दोनों हो गए साथ में। ठीक है, तो सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक दोनों साथ में भी हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि दोनों को एक रिलेशन हो जो दोनों ही ना हो, इट कैन बी नाइदर, कुछ ना हो, नाइदर सिमेट्रिक नॉर एंटी सिमेट्रिक, ऐसा भी हो सकता है। उसका एग्जांपल क्या ले लेते हैं, इसी में से एक ले लेते हैं, 1, 2 ले लीजिए और 2, 1 ले लीजिए। जब 1, 2, 2, 1 हो गया तो एंटी सिमेट्रिक अब नहीं रहा क्योंकि अपोजिट पेयर्स साथ में आ गए हैं, ऑर्डर्ड पेयर जो एक दूसरे के उल्टे हैं, तो ये एंटी सिमेट्रिक में वो नहीं होना चाहिए। अब इसको सिमेट्रिक भी हटा देते हैं, साथ में 1, 3 ले लेते हैं बस। 1, 3 है, 3, 1 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं रहा। तो ये जो आर है, दिस इज नाइदर सिमेट्रिक नॉर एंटी सिमेट्रिक। और ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ सिमेट्रिक हो, जैसे 1, 2, 2, 1 पे बंद कर देते तो सिर्फ सिमेट्रिक हो जाता, ठीक है ना। और सिर्फ एंटी सिमेट्रिक भी हो सकता था, 1, 1 और 1, 3 ले लेते तो वो एंटी सिमेट्रिक होता, सिमेट्रिक नहीं होता। तो ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट नहीं होता है, सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक। ठीक है, अब एक और टाइप होता है, उसको हम लोग कहते हैं ए सिमेट्रिक। ए सिमेट्रिक रिलेशन ये सिमेट्रिक का उल्टा होता है। इसका कहने का मतलब है कि इफ़ ए बी जब बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तो दिस शुड इम्प्लाई कि बी ए फिर बिलोंग ना करे रिलेशन में, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, नहीं अगर ए बी रिलेशन हो तो बी ए रिलेशन में नहीं होना चाहिए। इसका एग्जांपल है लेस देन। सपोज़ कीजिए एक रिलेशन हमने बना लिया x, y का ऑन रियल नंबर, यानी x, y बिलोंग्स टू रियल नंबर और साथ ही साथ x इज़ लेस देन y हो गया। तो इसमें क्या होगा, सपोज़ कीजिए कि a भी बिलोंग करता है रिलेशन में, दिस इम्प्लाइज a इज़ लेस देन b, ठीक है ना। तो दिस विल इम्प्लाई के बी ए विल नॉट बिलोंग टू रिलेशन सिंस बी इज नॉट लेस देन ए। बी ए में रिलेशन में तब होता जब बी लेस देन ए होता, लेकिन क्योंकि बी इज नॉट लेस देन ए, बी इज ग्रेटर देन ए, सो बी ए विल नॉट बिलोंग टू रिलेशन। तो ये क्या हो गया, लेस देन यानी एल आपका ए सिमेट्रिक रिलेशन है। अब ए सिमेट्रिक और सिमेट्रिक साथ साथ कभी नहीं होगा, या तो कोई रिलेशन हो सकता है सिमेट्रिक हो या ए सिमेट्रिक हो, या हो सकता है कुछ भी ना हो, वो भी हो सकता है कि ए रिलेशन कैन बी नाइदर सिमेट्रिक नॉर ए सिमेट्रिक, ये भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि सिमेट्रिक और ए सिमेट्रिक साथ साथ हो, ठीक है ना। दोनों नहीं होगा, एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। लेकिन जैसे ए सपोज़ कीजिए 1 2 3 था और हम लोगों ने एक सेट बनाया, रिलेशन बनाया सॉरी, सच दैट 1 2 ले लिया, 2 1 ले लिया, ये एंटी ए सिमेट्रिक तब नहीं रहा क्योंकि उल्टा आ गया है। कोई भी किसी भी ए बी के लिए ये ट्रू नहीं होना चाहिए, लेकिन ये ट्रू हो गया, तो ये ए सिमेट्रिक नहीं रहा। अब इसको सिमेट्रिक, अभी सिमेट्रिक है लेकिन अब सिमेट्रिक भी हटा देते हैं ये, सो दिस इज़ नाइदर ए सिमेट्रिक नॉर एंटी सिमेट्रिक, क्योंकि एंटी सिमेट्रिक इससे नहीं, नॉर सिमेट्रिक। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ भी ना हो,
लेकिन दोनों साथ साथ कभी नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक चीज़ पढ़ाने का था। अब अगला टाइप जो हम लोग को पढ़ना है एक और, वो है इररिफ्लेक्सिव, इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। हम लोगों ने रिफ्लेक्सिव पढ़ा था, वो होता है जब किसी रिलेशन में खुद से रिलेटेड वाले सारे ऑर्डर्ड पेयर हों, तो वो होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और उसी का उल्टा है इफ़ इररिफ्लेक्सिव, यानी इफ़ नो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, यानी कोई भी खुद से रिलेटेड एलिमेंट रिलेशन में नहीं होना चाहिए, एक भी नहीं। यानी ए अगर वन टू था तो एक रिलेशन आप बना लीजिए वन कॉमा टू, टू कॉमा वन, तो ये आपका इररिफ्लेक्सिव है। खुद से रिलेटेड वाले एक भी पेयर ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में नहीं होने चाहिए, तो ये आपका इररिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, और खुद से रिलेटेड वाले अगर सारे के सारे रिलेशन में हो तब वो होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब एक चीज़ समझने की यहाँ पे ये है कि ए रिलेशन इज एसिमेट्रिक। कोई रिलेशन एसिमेट्रिक तब होगा, ए रिलेशन इज एसिमेट्रिक इफ इट इज बोथ, जब ये दोनों हो, बोथ एंटीसिमेट्रिक और अभी जो पढ़े इररिफ्लेक्सिव। ये कॉमन सेंस से समझने वाली चीज़ है कि एसिमेट्रिक में हमको ए बी और बी ए साथ में कभी नहीं चाहिए, नेवर, इक्वल वाले भी नहीं, यानी ए कॉमा ए भी इसमें नहीं होगा। एस एसिमेट्रिक में ए कॉमा ए वाले पेयर भी नहीं होंगे, है ना, क्योंकि इसका मतलब ए कॉमा ए मतलब इसका उल्टा भी है उसमें। एंटीसिमेट्रिक में होता है कि ए बी एंड बी ए आर नेवर टुगेदर, कभी साथ साथ रिलेशन में नहीं होगा, एक्सेप्ट इन द फॉर्म ऑफ ए कॉमा ए, ए कॉमा ए हो सकता है। अगर ए बी और बी ए होगा तो इक्वल होना चाहिए, यानी ए कॉमा ए के फॉर्म में ये उल्टा पेयर आ सकता है एंटीसिमेट्रिक में, लेकिन ये ए कॉमा ए भी हमको नहीं चाहिए एसिमेट्रिक में, यानी ए कॉमा ए भी नहीं निकालना होगा एंटीसिमेट्रिक रिलेशन से, तब जाके वो एसिमेट्रिक होगा। तो उसके लिए साथ में उसको इररिफ्लेक्सिव भी कर दीजिए, इररिफ्लेक्सिव में नो ए कॉमा ए, यानी ए कॉमा ए भी हट गए रिलेशन से। तो अगर एंटीसिमेट्रिक और इररिफ्लेक्सिव साथ साथ हो गए तो सेल्फ से कनेक्टेड वाले एलिमेंट भी सारे हट गए, और ए कॉमा बी और बी कॉमा ए जिसमें ए और बी अलग अलग हो वो वाले भी हट गए, तो यानी वो हो गया क्या एसिमेट्रिक, व्हेन ए बी एंड बी ए आर नेवर टुगेदर, जब ए बी और बी ए कभी साथ साथ ना हो और इक्वल वाले फॉर्म में भी साथ साथ ना हो, यानी ए कॉमा ए भी कभी रिलेशन में ना हो, वो एसिमेट्रिक होता है, और वो तब हो जाएगा जब ये दोनों साथ साथ ट्रू हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ ही साथ लोगों के साथ इसे शेयर भी करें ताकि और लोगों को भी इसका पता चले। थैंक यू।